हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस वीडियो इज़ गोना बी अ स्टडी विथ मी फॉर माय साइंस एग्जाम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग अ टू डू लिस्ट। आई एम राइटिंग ऑल द थिंग्स आई नीड टू कम्प्लीट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम कम्प्लीटली। ऑल्सो मेकिंग टू डू लिस्ट मेक्स मी फील वेरी प्रोडक्टिव। दिस इज माई टू डू लिस्ट। Here I am taking out all the study material which I need and most important NCERT, also some reference books, and I also use the Oswal question bank for preparation for questions practice kya sakte ho. Okay, so I'll start with bio today. I don't like bio that much, matlab itna zyada khas kuch nahi pasand, but it's okay. Matlab jo itna bada chapter hai life process hai, kuch zyada hi bada chapter hai, matlab इतने सारे इसमें डायग्राम्स भी थे। डायग्राम्स ने तो मेरी जान खा ली। ऑल दो एग्ज़ाम में आया नहीं डायग्राम, इस एग्ज़ाम में नहीं आया तो क्या हुआ, आगे के एग्ज़ाम्स में आ सकता है आई गेस। और बोर्ड्स में भी आते हैं डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। सो हमारे पूरे PT1 के एग्ज़ाम्स में हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए गैप डे मिला था प्रिपरेशन के लिए, वो भी संडे था और ये साइंस का एग्ज़ाम था। इट वॉज संडे एंड मंडे से वो सब बिना गैप के होंगे, तो मतलब वो बहुत आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज, बट स्टिल मैं बिना गैप के एग्ज़ाम्स देने हैं। हर एग्ज़ाम में बस स्कूल से आना है, फिर पढ़ना है, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, तो आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज टू डू द रिविजन। एनी वेज हेयर आई वॉज ट्राइंग टू ड्रॉ दी डायग्राम्स एंड यू नो मैं एक देख लूँ ऊपर से डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। एकदम इतना पक्का नहीं था कि आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि हार्ट का डायग्राम प्रैक्टिस कर लूँ और नेफ्रॉन का थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों थोड़े से मतलब बनाने लायक लग रहे थे। थोड़े से हार्ट तो बनाने लायक लग नहीं रहा था, लेकिन मैंने जो एस चांद वाली बुक है उसमें थोड़ा ढंग का डायग्राम दिया था जो मेरे से बन सकता था। देखो वो भी मेरे से ढंग से बना नहीं, इतना कुछ खास पता नहीं कैसा बना था, अजीब सा। मतलब मेरे से कुछ भी करवा लो, लेकिन यार ये डायग्राम वाइग्राम मेरे से नहीं बनता है कसम से। मेरे को इसके बदले थोड़ा सा कुछ और लर्न करने के लिए देते थे या पढ़ने के लिए देते तो आई वुड हैव डन इट, बट इतना मतलब था। आई गेस डायग्राम्स प्रैक्टिस से आते हैं, डायग्राम्स को जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छे से बना सकते हैं। एनी वेज एग्ज़ाम में तो आया नहीं मेरे, मैं एग्ज़ाम देखी वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड अगर मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो मेरा एग्ज़ाम मतलब अच्छा गया, मतलब एकदम अच्छा गया, लेकिन एक बात का घोटाला हो गया। डोंट से कि मैं ये यहाँ पे एक्सक्यूज़ बना रही हूँ, इट्स रियल। यू मस्ट बी थिंकिंग मैं एक्सक्यूज़ बनाने जा रही हूँ, बट जो सोचना है सोच लो। बट क्या हुआ था एग्ज़ाम में, कुछ इतना गंदा क्वेश्चन पेपर पता नहीं किसने बनाया था, नहीं बोलना चाहिए देखो, लेकिन इतना गंदा क्वेश्चन पेपर था, पता नहीं किसने बनाया था, नहीं बोलना चाहिए, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन यार मैं तो बोलूँगी। देखो इसमें जो पार्ट नहीं आ रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का, वो भी था। ऑल दो बाद में आके कटवा दिया टीचर ने, और एक क्वेश्चन रिपीटेड था। मैंने टीचर से बोला भी कि सर ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, तो उन्होंने बोला करो, फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं करो। तो मैंने कहा अच्छा मैं कर लेती हूँ, मैंने करा। फिर आके एग्ज़ाम ओवर होने के, कॉपी सबमिट होने के 15 या आधे घंटे पहले आए कोई टीचर आए और उन्होंने बताया कि दिस क्वेश्चन विल, मतलब ये क्वेश्चन कट गया है, ऑप्शन में था ना वो वाला क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला कि जो इसके ऑप्शन वाला है वो करना है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो ऑप्शन वाला था उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना था और उसका रे डायग्राम भी बनाना था, तो उस और इसके साथ साथ मेरे और क्वेश्चंस भी बाकी थे करने के लिए। 18 क्वेश्चंस थे टोटल और मेरे क्वेश्चंस भी बाकी थे। मैंने कैसे ऐसे करके पूरा पेपर तो करके आई हूँ, बट आई एम श्योर कि मेरे मार्क्स कटने वाले हैं, इतना मेरे को अच्छे से पता है। अगर ऐसा ना होता तो शायद मेरे फुल मार्क्स आ जाते, बट पता नहीं, शायद मेरे नसीब भी नहीं है साइंस में फुल मार्क्स। मैं इतनी मेहनत करके गई थी, बट ये बस इसकी वजह से, मतलब मैं बोलते बोलते रो ना दूँ। आई लिटरली फील सो डन विद माई लाइफ, लाइक आफ्टर स्टडिंग दिस मच, लाइक मैंने इतनी कुछ रॉकेट साइंस वाली पढ़ाई नहीं करी थी, आई एक्सेप्टेड, बट आई न्यू एवरी आंसर एंड मैं कर भी लेती, बट लाइक पेपर पता नहीं किसने सेट करा था, लाइक आई फील सो बैड राइट नाउ। आई हैव लिटरली हैव टीयर्स इन माई आईज़।
आई फील सो बैड राइट नाउ, आई जस्ट डोंट फील लाइक स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम नाउ. मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि अब मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करूँ. लाइक दिस इज़ अ बिग डीमोटिवेशन फॉर मी. लाइक पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ, बट एनी वेज हेयर आई वॉज डन विद बायो. इतना बायो पढ़ने का क्या फ़र्क हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, पता नहीं यार मैं क्यों. मेरी बातों से तुम लोग डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि मेरे जैसे पेपर सेट करने वाले टीचर्स तुम्हारे स्कूल में नहीं होंगे. तुम्हारे स्कूल में अच्छे पेपर आते होंगे. मतलब मेरे स्कूल में भी आते हैं, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ साइंस के पेपर में हो गया. मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है यार, और स्कूल्स में मेरे को नहीं पता होता है कि नहीं, मतलब हमारे स्कूल में हमेशा हुआ रहता है. नहीं बोलना चाहिए, देखो बुराई नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ द रियलिटी. आई डोंट नो कि और स्कूल्स में होता है कि नहीं, बट येस. सो हेयर आई वॉज डन, आई टुक अ शॉर्ट स्टडी ब्रेक. मैंने थोड़ा सा स्टडी ब्रेक लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा इधर उधर वॉक किया था बाहर. एंड आई ऑल्सो मेड दिस पास्ता. मैंने ये खुद बनाया था विद हेल्प ऑफ माई मॉम ऑब्वियसली. एंड आई ऑल्सो वॉच दिस SRP चैनल के वीडियोस. आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद हिज वीडियोस रिसेंटली, एंड लाइक ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट करेंट ऑब्सेशंस कह सकते हो. ओके सो आफ्टर द स्टडी ब्रेक आई गेस आई स्टार्ट अगेन टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम लाइक 7 or 8 आई डोंट नो. बट येस फिजिक्स को देख के मेरे को वही अपना ट्रॉमा याद आ रहा है. पता नहीं मेरे को कब तक ये लगा रहेगा. कोई बात नहीं, आई गेस मुझे सीख लेनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अभी हो गया तो आई थिंक आई शुड ट्राई माई बेस्ट. और ये जो ऊपर से मैं स्कूल वालों ने गैप नहीं दिया एग्ज़ाम के लिए, दिस इज़ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग मेरे को लगी. मतलब यार मैं स्कूल से आई हूँ, अभी तक मैं सोई भी नहीं हूँ. मेरे को कुछ काम था, बैंक जाना था अपने 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 फादर साहब के साथ, बैंक जाना था किसी काम के लिए. तो मतलब मैं सोई भी नहीं हूँ. अब मेरे को मेरी 4 बजे से क्लास भी है, मेरे को क्लास भी लेनी पड़ेगी, और कल मेरा एग्ज़ाम है कि उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा. हाँ मम्मी मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं सब यहीं यूट्यूब पे बक दे रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है. आई गेस मैं जो बोल देती हूँ इसे आप लोग ज़्यादा माइंड मत करना. अगर आपको अच्छा लगता है सुनने में तो सुन लेना, नहीं तो आप मेरी वीडियो को म्यूट करके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. अगर आपको मेरी बकवास नहीं अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा फालतू बोलती हूँ यार. मतलब आई गेस वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि अपना दुख दर्द ही बता दूँ. मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द हैं दोस्तों. मुझे आई जस्ट फील लाइक समटाइम्स कि व्हाई डू आई इवन एग्जिस्ट. मतलब मेरे रहने का कोई मतलब है, मतलब मेरे ज़िंदा रहने से किसी को कोई मतलब नहीं है, और मेरे रहने से किसी को मेरे को खुद मतलब नहीं है. मैं रहूँ ना रहूँ क्या फ़र्क पड़ेगा. बट मेरे को तो कभी कभी अपनी एग्जिस्टेंस पे भी डाउट होता है कभी कभी, क्या मुझे तो रोज़ रोज़ डाउट होता है अपनी एग्जिस्टेंस पे. बट एनीवेज एग्जिस्ट कर रही हूँ तो चलने देते हैं जैसा चल रहा है, क्यों दोस्तों. सो हियर आई वॉज फाइनली डन विद दी स्टडीज़. अब ये देखो मेरे को फिर से अपना वही याद आ रहा है कि इसका करने का फ़ायदा क्या. लेकिन कोई बात नहीं, मोटिवेशन कहीं से आई नहीं, लेकिन हाँ मोटिवेशन. तो ये सब पढ़ते पढ़ते मेरे को 12 बज गए थे एंड आई वॉज डन. आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय.